कीव पर उस वक्त कब्जे का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है जब रूसी सेना ने यूक्रेन के 15 प्रांतों को दहला दिया है। 48 घंटे के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन से मॉस्को में हमले का विध्वंसक बदला ले लिया। रूस ने यूक्रेन की धरती पर उत्तर कोरिया और ईरान से मिसाइलों से वज्रपात किया और इसके बाद यूक्रेन में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने बेलारूस फ्रंट को भी खोल दिया है। बेलारूस की तरफ से रूसी सेना कीव की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। वॉरज़ोन, इस्कंदर, KH-59, KH-69, KH-22 और KH-32 मिसाइलों से रूसी सेना ने 12 घंटों तक नॉनस्टॉप हमले किए। इसके बाद कीव समेत यूक्रेन के 15 प्रांतों में बहुत बड़ा विनाश हुआ। यूक्रेन के एयर डिफेंस ध्वस्त हुए। कई इमारतें आग के लफ्तों में जल गईं। ये मॉस्को में यूक्रेन के हमले का बदला है और रूसी सेना ने 12 घंटों तक ऐसा हमला किया कि कीव के साथ साथ पूरे यूक्रेन की तस्वीर बदल गई। रूस के विस्फोट से कीव लगातार 6 घंटों तक दहलता रहा। कीव में 6 घंटों तक अलर्ट अलार्म बजता रहा। रूस की मिसाइलों और ड्रोन ने कई इमारतों को हिट किया है। इसी के साथ कीव में इमरजेंसी लग गई है। रूस के हमले के बाद कीव में जब अलर्ट अलार्म बजा तो लोगों को जान बचाने के लिए भागकर सबवे और बंकर में छिपना पड़ा। सितंबर को यूक्रेन ने इसराइल और तुर्की के हथियारों से रूस के अंदर विध्वंसक हमले किए थे। इसे भड़के रूस ने महज 48 घंटे बाद यूक्रेन को उत्तर कोरिया के मिसाइल और ईरानी ड्रोन से बुरी तरह दहला दिया। रूसी फौज ने सबसे ज्यादा हमले उत्तर कोरिया के मिसाइल वॉसोंग 11 से किए। रूस के ताबड़तोड़ विस्फोट से यूक्रेन में जलजला आ गया। रूस के एयर ऑपरेशन के बाद कीव में एक के बाद एक कई धमाके हुए। मिसाइल और ड्रोन धमाकों के साथ ही कीव की कई इमारतें ध्वस्त हो गई। रूस के हमले में कीव में तैनात 2 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में उस हथियार गोदाम को नुकसान पहुंचा है जहां यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलें रखी थी। रूस ने यूक्रेन में 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। 64 ड्रोन हमले सिर्फ कीव में हुए। यूक्रेन का दावा है कि उसने 44 ड्रोन्स को पार गिराया, लेकिन रूस के पांके ड्रोन कीव में ब्लास्ट करने में सफल रहे। कीव पर विध्वंसक हमले के साथ ही पुतिन ने बेलारूस फ्रंट को भी एक्टिव कर दिया है। बेलारूस से रूसी सेनाएं यूक्रेनी बॉर्डर की ओर बढ़ रही हैं। रूसी सेना कीव पर आसमान से भीषण बमबारी कर रही है। काला सागर से भी कीव पर मिसाइल वर्षा हो रही है और इसी के साथ रूसी सेना ने बेलारूस फ्रंट भी खोल दिया है। बेलारूस की तरफ से रूसी सेना कीव की तरफ बढ़ रही है। बेलारूस फ्रंट से कीव में घुसने की तैयारी है। कीव पर एक साथ 4 तरफ से आक्रमण करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। रूसी सेना बेलारूस सुमी, खार्किव और चेर्निहाइव से धावा बोलने जा रही है। घुसपैठ के साथ रूसी फौज कीव में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगी। जमीनी जंग के बाद कीव पर कब्जे की तैयारी है।
यह माना जा रहा है कि सितंबर के अंत तक कीव पर रूसी सेना कब्जा कर सकती है। कीव पर कब्जा करने के लिए रूस ने सैन्य अभियान तेज कर दिया है। रूसी सेना एक दर्जन से ज्यादा मोर्चों पर खतरनाक हमले कर रही है। डोनेस में रूस ने ड्रोन हमला कर यूक्रेन के टैंक का खात्मा कर दिया। एक के बाद एक कई धमाकों से खमेलनित्स्की तहल गया। कुपियांस में रूस के टैंक बटालियन ने यूक्रेनी ठिकानों पर धावा बोला। खार्किव में रूस की आर्टिलरी यूनिट ने जबरदस्त तबाही मचाई। खेरसोन में रूस ने पश्चिमी देशों के हथियार लेकर जा रही ट्रेन को टारगेट किया। खेरसोन में रूसी सेना ने इस्कंदर मिसाइल से विस्फोट कर यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम को जला दिया। चेरनीहिव में रूस के हमले से गैस स्टेशन में आग लग गई। रूस के हमले से यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही हुई है। बड़ी संख्या में आम लोग मारे गए हैं। रूस के हमले से सूमी में 6 लोग मारे गए। नेप्रोपेत्रोवर्स्क में 2 लोगों की जान चली गई। डोनेस में 6, खेरसोन में 4, कोस्तानी नितविका में 3, जोरियान में 2 नागरिकों की मौत हुई है। रूसी सेना ने इस बार मॉडिफाइड और अपग्रेडेड हथियारों से हमले किए, जिसकी वजह से यूक्रेन में विनाश की बड़ी आग भड़क गई। रूस के हमले से बौखलाई यूक्रेनी सेना ने भी कई मोर्चों पर रूसी सेना को बड़ा जख्म दिया। यूक्रेनी फोर्स हमले तो कर रही है, लेकिन रूसी सेना को आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रही। रूस के हमले अगर इसी तरह से होते रहे, रूस की सेना अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही, तो रूस सितंबर में ही कीव पर कब्जा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। पोक्रोवस्क के करीब भीषण जंग की शुरुआत। यूक्रेनी सेना की रूसी फौज पर गोलीबारी। 30 mm गन से मुकाबला कर रही है यूक्रेनी सेना। अमेरिकी विदेश मंत्री के कीव दौरे से पूरे यूरोप पर परमाणु खतरा मंडराने लगा। नेटो देश रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए सहमत हो गए। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन को रूस पर लंबी दूरी के हमलों की इजाजत दे दी गई है। नेटो के इस प्लान के बाद पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एटमी युद्ध की धमकी जारी कर दी है। और इसके साथ ही ब्रिटेन के करीब परमाणु शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया है। क्रेमलिन से चेतावनी जारी हो चुकी है कि अगर रूसी धरती पर नेटो देशों के हथियार बरसे तो परिणाम विश्व विनाशक हो सकता है। 11 और 12 सितंबर को यूक्रेन की राजधानी कीव में जो बंधन हुआ, उसमें निश्चित हो चुका है कि युद्ध अब रूस की धरती पर लड़ा जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कीव में ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाया। और उसी के साथ तय हो गया कि नेटो देश रूस पर हमलों के लिए यूक्रेन को हरी झंडी दे रहे हैं। कीव करीब 2 साल से जिन हमलों के लिए नेटो की इजाजत चाहता था, वो मिलने ही वाली है। अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है कि बाइडेन प्रशासन कीव के लॉन्ग रेंज हमलों से प्रतिबंध हटाने जा रहा है।
कीव और वॉशिंगटन के बीच इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। कीव में ब्लिंकन, लैमी और ज़ेलेंस्की के बीच चर्चा के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने इसके संकेत भी दिए हैं। यूक्रेन की जीत का मतलब साफ है कि अब रूस पर हमले किए जाएंगे। यूक्रेन से रूसी सेना को खदेड़ने के लिए रूस के शहरों को निशाना बनाया जाएगा। यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि अगले दो दिनों के अंदर बड़ा फैसला होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को बाइडेन प्रशासन ने लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत दे दी है। बाइडेन सरकार के फैसले को सार्वजनिक नहीं किया गया है। अगले दो दिन में बाइडेन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। अमेरिका ने यूक्रेन से रूस के टारगेट की हिटलिस्ट मांगी है। ज़ेलेंस्की खुद ये हिटलिस्ट बाइडेन को सौंपने वाले हैं। अमेरिका से मिली अटैक एमएस मिसाइल के रेंज में रूस के 250 से ज्यादा सैन्य बेस और कैंप आ रहे हैं। बहुत जल्द इन पर हमले शुरू हो सकते हैं। कीव में हुए इस घटनाक्रम के बाद रूस अलर्ट पर है और क्रेमलिन ने यूरोप और अमेरिका को चेतावनी जारी कर दी है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, अगर रूसी धरती पर नेटो मिसाइलों से हमले हुए तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के इस फैसले पर खुद अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ भी महासंग्राम की चेतावनी दे रहे हैं। पूर्व सीआईए अधिकारी लैरी जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत देना बारूदी सुरंग की ट्रिप वायर छेड़ने जैसा है। इस फैसले से अमेरिका रूस की जंग शुरू हो सकती है। क्रेमलिन के पूर्व सलाहकार सर्गेई कारकारोव ने कहा है कि दुश्मन को एहसास कराने का समय आ गया है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है। ब्लिंकन और लैमी के कीव पहुंचते ही रूस ने परमाणु शक्ति प्रदर्शन शुरू भी कर दिया है। रूस के दो बॉम्बर्स ने यूरोप के कई देशों के आसपास मिसाइलें फायर की हैं। रूस के दो TU-160 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने बैरेंट्स और नॉर्वेजियन सागर के ऊपर उड़ान भरी। इनके निशाने पर यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और यूके थे। दोनों बॉम्बर्स की उड़ान 4 घंटे 22 मिनट तक जारी रही। दोनों बॉम्बर्स ने अपनी अधिकतम 2220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरी। रूस के दोनों विनाशक 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे। इसके साथ ही दोनों बॉम्बर से दो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी फायर की गई, हालांकि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं थे। रूस का TU-160 धरती का सबसे तेज रफ्तार से उड़ने वाला बॉम्बर है। TU-160 न्यूक्लियर बॉम्बर को व्हाइट स्वान कोडनेम भी दिया गया है। रूस के बॉम्बर लंबी दूरी तक मिसाइल हमले करने में सक्षम है। और अपने सबसे एडवांस बॉम्बर्स उड़ाकर रूस ने अमेरिका और यूरोप को अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। इसके साथ ही धरती के 12 समुद्री क्षेत्रों में रूस की ओशंस 2024 नेवी ड्रिल भी जारी है। रूस इस ड्रिल में सबमरीन हंटिंग मिसाइलें भी फायर कर रहा है। रूस ने संकेत दे दिए हैं, अगर उसकी धरती पर हमले हुए तो अमेरिका के हर सहयोगी देश पर उसके युद्धपोत मिसाइलें बरसाने के लिए तैयार हैं।
अमेरिका यूक्रेन से प्रतिबंध हटाने का फैसला ले चुका है और पुतिन यूरोप और अमेरिका पर ऐसे प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं जिससे इन देशों को बड़ा झटका लगना तय है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को रूस का यूरेनियम, टाइटेनियम और निकेल नहीं दिए जाने पर विचार हो रहा है। पुतिन ने जिन खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का विचार किया है उससे अमेरिका और यूरोप की बड़ी इंडस्ट्रीज प्रभावित हो सकती हैं। इस फैसले का असर अमेरिका और यूरोप की एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर इंडस्ट्री पर पड़ेगा। ये दोनों उद्योग रूस के यूरेनियम और टाइटेनियम पर निर्भर हैं। विमान बनाने वाली यूरोप की एयरबस कंपनी तबाह हो सकती है। एयरबस 60% टाइटेनियम रूस से आयात करती है। रूस पर हमलों की हरी झंडी मिलने के बाद पुतिन बेहिचक कड़े और बड़े फैसले ले रहे हैं। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं अगर रूस पर लॉन्ग रेंज हमले हुए तो अमेरिका रूस का युद्ध निश्चित है। और देखते ही देखते पूरी धरती के लिए खतरा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूसी ठिकानों पर आग बरसाने का अभियान। कुर्स्क में यूक्रेनी ड्रोन से थर्माइट की बरसात की गई है। जंगल में यूक्रेनी हमले से रूसी सैनिकों की मौत। कुर्स्क की जंग में अब रूस का इंतकाम शुरू हो चुका है। यूक्रेनी सेना अब कुर्स्क में आगे बढ़ने की बजाय वापस लौट रही है। रूसी सेना की भारी तैनाती की वजह से यूक्रेनी सैनिक घिर रहे हैं और फिर रूस की वायुसेना यूक्रेनी सैनिकों पर बम बरसा रही है। हर दिन यूक्रेनी सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। यूक्रेन के लिए कुर्स्क में टिके रहना मुश्किल हो रहा है और यही वजह है कि नेटो देशों से यूक्रेन के लिए हथियारों के पैकेज का ऐलान हो रहा है। जल्द ही यूक्रेन में नेटो देशों से हथियारों की खेप पहुंचाई जाएगी। कुर्स्क के रास्ते रूसी जमीन पर आगे बढ़ते रहने का मौका अब खत्म हो चुका है। रूस की जिस कमजोर नस पर यूक्रेन ने प्रहार किया था वक्त के साथ रूस ने उसे बेहद मजबूती दे दी है और बाजी पलट गई है। बमबारी, गोलाबारी और युद्ध की रफ्तार वैसी ही है लेकिन युद्ध के अंजाम में भारी बदलाव हो चुका है। अब रूस नहीं यूक्रेन अपने सैनिकों को गंवा रहा है। अब रूसी सेना नहीं यूक्रेनी फौज पीछे हट रही है। अब कब्जा होने का नहीं हटने का सिलसिला चल रहा है। कुर्स्क में अचानक दाखिल होकर यूक्रेनी फौज ने रूस को चौंका दिया था। कुर्स्क में रूस की कोई मजबूत डिफेंस लाइन नहीं थी। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना को कामयाबी मिलती रही और कुर्स्क के इलाकों पर कब्जे होते रहे। लेकिन करीब एक महीने और 6 दिन बाद हालात बदल चुके हैं। रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक कुर्स्क पहुंच चुके हैं। चीचन फोर्स के जवानों को कुर्स्क में तैनात किया गया है। यूक्रेन के कई इलाकों से रूसी सैनिक कुर्स्क में भेजे गए हैं। रूसी वायुसेना खास रणनीति से कुर्स्क में हमले कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन अब कुर्स्क की खूबसूरती का मोह छोड़ चुकी है। वायुसेना को खुली छूट दे दी गई है और कुर्स्क पर भारी बमबारी की जा रही है। ये बात सही है
कि रूस अपने ही बारूद से अपने शहर को भस्म कर रहा है, लेकिन अहमियत अब कुर्स्क को कब्जा मुक्त करने की है। यूक्रेनी सेना को पहले जमीन से घेरा जा रहा है, यूक्रेनी सैनिकों को एक खास दायरे में लाया जा रहा है, घेराबंदी होते ही वायुसेना बमबारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी कमांडर पहुंच चुके हैं कि अब कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों का डटे रहना खतरे से खाली नहीं, लेकिन ज़ेलेंस्की सेना को वापस बुलाने का हुक्म नहीं दे रहे, क्योंकि ज़ेलेंस्की को कुर्स्क जंग से काफी उम्मीदें हैं। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि कुर्स्क युद्ध की वजह से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिल सकते हैं, नेटो के हथियार से रूस पर हमले की इजाजत मिल सकती है, यूक्रेन के लिए नए राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क में रूसी सेना के हमलों से यूक्रेन के नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रूसी सेना की बमबारी से यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो रही है, नेटो देशों से आए बख्तरबंद वाहन और हथियार नष्ट हो रहे हैं। कुर्स्क में अब ताकतवर बम से हमले हो रहे हैं, जमीन पर रूस के घातक टैंकों की तैनाती है, यूक्रेनी सैनिकों को कई इलाकों से खदेड़ दिया गया है। कुर्स्क में कई जगहों पर यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अब कुर्स्क में डटे रहने की जिद पर अड़े रहे तो यूक्रेन 20,000 से ज्यादा सैनिक कमा सकता है। मौजूदा हाल आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने कुर्स्क में बेहद तेज रफ्तार से करीब 1300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन अब यूक्रेनी फौज पीछे हट रही है। रूसी सेना के पलटवार की वजह से यूक्रेन के सैनिकों को 150 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका छोड़ना पड़ा, कई इलाके कब्जे से मुक्त हो गए। कुर्स्क में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि कुर्स्क में यूक्रेन के 96 टैंक भस्म हो गए और कुर्स्क में 12,200 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। रूस की वायुसेना F-500 और ग्लाइड बम से यूक्रेनी सेना का संहार कर रही है। इसके अलावा बेहद शक्तिशाली F-3000 और F-1500 बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुर्स्क की जमीन पर यूक्रेनी सैनिकों को खत्म करने के लिए रूसी सेना T-80, T-90 और T-72 जैसे शक्तिशाली टैंक का इस्तेमाल कर रही है। ज़ेलेंस्की को पुतिन फिलहाल दो मोर्चे से चोट पहुंचा रहे हैं। पुतिन की रणनीति की वजह से कुर्स्क में यूक्रेनी फौज का शिकार घेर कर करना मुमकिन हो गया है, तो दूसरी तरफ पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना बेहद आसान हो गया है। कुर्स्क फिलहाल ऐसा इलाका बन चुका है जहां यूक्रेन के सबसे ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। रूसी सेना को एयर डिफेंस का खतरा नहीं है, तीन तरफ से यूक्रेनी फौज को घेरना आसान है। पुतिन कम से कम समय में यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा सैनिकों का संहार करना चाहते हैं ताकि नेटो देशों से जो हथियार आ रहे हैं उसे चलाने के लिए सैनिक ही ना बचें। अमेरिका ने कुर्स्क जंग को आगे बढ़ाने के लिए हथियारों के नए पैकेज का ऐलान कर दिया है। कई नेटो देश भी जल्द हथियार देने वाले हैं। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन पहुंचे। दो बड़े देशों के विदेश मंत्रियों के कीव में आने पर रूस सचेत हो गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन युद्ध पर बड़े फैसले ले सकते हैं। फिलहाल ब्रिटेन ने यूक्रेन में जरूरी सामानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन से यूक्रेन को 6,557 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। 2,728 करोड़ रुपए बिजली सप्लाई को ठीक करने के लिए खर्च होंगे। 2,435 करोड़ रुपए पीने के पानी, दवा और घर बनाने पर खर्च होंगे। 856 करोड़ रुपए बारूदी सुरंग हटाने पर खर्च किए जाएंगे। यूक्रेन को जंग में बनाए रखने के लिए भारी भरकम खर्च करने की प्लानिंग है ताकि यूक्रेन की सेना दोबारा मजबूती हासिल कर सके और यूक्रेन के लोगों में हौसला आ सके।
G7 देशों से 41,981 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अमेरिका 6,020 करोड़ रुपए की मदद देने वाला है। ब्रिटेन और अमेरिका से हथियारों की नई खेप भी जल्द यूक्रेन पहुंचने वाली है। नेटो के हथियारों से रूसी जमीन पर हमले की इजाजत पर विचार चल रहा है। और उम्मीद है कि कोर्स में जल्द स्टॉर्म शैडो और ATACMS से हमले शुरू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर, कोर्स में रूस यूक्रेन में भीषण जंग। यूक्रेन फोर्स ने रूसी टुकड़ी को घेरा है। रूसी टुकड़ी पर यूक्रेन की भीषण बमबारी। कोर्स बेलगोरोद समेत पश्चिमी रूस पर बीते एक महीने से हमला कर रहे यूक्रेन ने बीती रात क्रीमिया और ब्लैक सी में बारूदी कोहरा मचाया, एक साथ डबल फ्रंट पर प्रचंड प्रहार किया। गौर करने वाली बात यह है कि इस हमले को क्रीमिया प्लेटफॉर्म समिट के ठीक बाद अंजाम दिया गया। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या क्रीमिया प्लेटफॉर्म समिट में ब्लैक सी और क्रीमिया पर हमले का प्लान तैयार हुआ? क्या इसी हमले का प्लेटफॉर्म करते हुए समंदर में चीन और रूस ने जंगी बेड़ों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया? आप देखिए इस रिपोर्ट में। क्रीमिया और ब्लैक सी वाले फ्रंट पर यूक्रेन ने बीती रात दो बड़े हमलों को अंजाम दिया। और इसी के साथ ही क्रीमिया से लेकर काला सागर तक बारूदी कोहराम मच गया। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक यूक्रेनी सेना पश्चिमी रूस के कुर्स बेलग्रोद जैसे प्रांतों पर हमला कर रही थी, मगर 11 सितंबर को सूरज ढलने के साथ ही क्रीमिया और ब्लैक सी में यूक्रेनी फ्रिगेट का सिलसिला देखने को मिला। आपको बता दें, क्रीमिया में रूसी वायुसेना का Su-30SM लड़ाकू विमान तबाह हुआ। रूस के फाइटर जेट ने क्रीमिया के साकी एयरफील्ड से उड़ान भरी थी। दावा है कि यूक्रेन ने बैनपैट डिफेंस सिस्टम से विमान ध्वस्त किया। यूक्रेन का दूसरा अटैक, ब्लैक सी में मौजूद रूस की क्रिम 2 ऑयल ब्रिज पर यूक्रेन का हमला। रूस के क्रिम 2 ऑयल ब्रिज क्रीमिया और ओडिशा के बीच मौजूद है। दावा है कि बोट्स में सवार यूक्रेनी कमांडोज ने ऑयल ब्रिज पर धावा बोला। इन दो हमलों के साथ ही यूक्रेन ने क्रीमिया और ब्लैक सी फ्रंट पर फिर से अपना दबदबा कायम करने का ऐलान किया। सबसे अहम बात यह है कि इन हमलों को क्रीमिया प्लेटफॉर्म समिट के चंद घंटों बाद अंजाम दिया गया। दरअसल यूक्रेन की राजधानी कीव में 11 सितंबर को क्रीमिया प्लेटफॉर्म समिट के चौथे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी समिट में मौजूद थे। वहीं ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी समिट में शामिल हुए। लिथुआनिया लातविया के राष्ट्राध्यक्ष भी समिट में मौजूद थे। आपको बता दें, सितंबर 2021 में यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया प्लेटफॉर्म समिट की नींव रखी थी। इस शिखर सम्मेलन का सिर्फ एक मकसद है, क्रीमिया को रूसी कब्जे से मुक्त करवाना और शांतिपूर्ण तरीके से उसे यूक्रेन में शामिल करना। और जैसे ही क्रीमिया प्लेटफॉर्म समिट का शिखर सम्मेलन खत्म हुआ, उसके चंद घंटों बाद ही क्रीमिया और ब्लैक सी में यूक्रेन की तरफ से दो बड़े हमलों की खबर सामने आ गई। रूस का आरोप है कि क्रीमिया प्लेटफॉर्म समिट में ही क्रीमिया को एक बार फिर से सुलगाने वहां विध्वंसक हमले का प्लान तैयार किया गया। जहां एक तरफ यूक्रेन ने सेवस्तोपोल के एयर जोन में रूस के लड़ाकू विमान को शॉट डाउन किया, तो वहीं यूक्रेनी फौज की तरफ से सबसे भीषण अटैक ब्लैक सी में मौजूद क्रिम 2 ऑयल ब्रिज पर देखने को मिला। बड़ी खबर, वॉर जोन से हिजबुल्ला का इसराइल पर बड़ा हमला। हिजबुल्ला ने 30 रॉकेट दागे हैं। नॉर्थ इसराइल के साफेद में हमला किया गया।
तो ये तस्वीरें आपके सामने, हिजबुल्ला ने एक बार फिर से नॉर्थ इसराइल पर बड़े हमले को अंजाम दिया है। एक साथ 30 रॉकेट की बौछार की गई है नॉर्थ इसराइल के साफेद पर। हिजबुल्ला की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं हिजबुल्ला के हमले की, जो कि नॉर्थ इसराइल पर किया गया है। और इस हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल में अलर्ट। एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किए हमले साफेद में। हिजबुल्ला ने अटैक किया था, एक साथ 30 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दावा इस बात का इसराइल की तरफ से कि एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इन सभी रॉकेट हमलों को नाकाम कर दिया गया है। तो ये देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, हिजबुल्ला ने नॉर्थ इसराइल पर इस हमले को अंजाम दिया। इसराइल का यह दावा कि सभी हमलों को नाकाम किया एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से। हालांकि अभी क्या इसमें कोई नुकसान पहुंचा ये कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन ये ताजा तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल पर एक बार फिर से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया, एक साथ 30 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। और इधर गाजा और वेस्ट बैंक में 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा नरसंहार हो गया कि पूरी दुनिया दहल गई है। इजरायली सेना की बमबारी में न सिर्फ 34 बच्चे मारे गए, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अधिकारियों की भी हत्या हो गई है। इसी के बाद से इजरायल को दंड देने की मांग हो रही है, बावजूद इसके आईडीएफ के हवाई हमले कम नहीं हो रहे। वेस्ट बैंक नरसंहार का सबसे नया और बड़ा सेंटर बन गया है। गाजा की जंग बहुत भयानक हो गई। वेस्ट बैंक रक्तपात का नया सेंटर बन गया। वेस्ट बैंक में इजराइल की बमबारी तेज हो गई। गाजा जैसा विनाश, गाजा जैसा नरसंहार अब वेस्ट बैंक में भी शुरू हो गया। 24 घंटे के अंदर इजराइल की बमबारी में वेस्ट बैंक में बहुत बड़ा रक्तपात हो गया। वेस्ट बैंक के दुलकरम में इजराइल ने एक के बाद एक कई धमाके किए। विस्फोट की जद में यूएन के स्कूल और कई इमारतें आई। बमबारी की वजह से यूएन स्कूल और इमारतें धराशायी हो गई। हमले में 34 लोग मारे गए, इनमें से ज्यादातर बच्चे हैं। गाजा के नुसरत कैंप में भी भयावह हमले किए गए। हमले में संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अधिकारियों की मौत हो गई। बच्चों और यूएन अधिकारियों की मौत की दुनिया भर में आलोचना शुरू हो गई। कई देश इस बाल संहार के लिए इजराइल को दंड देने की अपील कर रहे हैं। इजराइल के इस संहार पर यूएन भी सख्त हो गया। बावजूद इसके इजराइल की बमबारी नहीं रुक रही है। अमेरिका ने हिदायत दे रखी है कि इजराइल के हमले में बेकसूर लोग नहीं मारे जाने चाहिए, लेकिन सच यह है कि हर दिन बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। गाजा में नरसंहार का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल को अब तक कितनी कामयाबी मिली है, इसको लेकर आईडीएफ ने रिपोर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक आईडीएफ हमास के 95% रॉकेट खत्म कर चुका है। हमास के 60% हथियार खत्म हो चुके हैं। 70% एंटी टैंक लॉन्चर तबाह हो चुके हैं। हमास के 50% लड़ाके मारे जा चुके हैं। आईडीएफ का दावा है कि वह हमास को पूरी तरह खत्म करने के करीब पहुंच चुकी है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन अंतिम चरण में। वेस्ट बैंक में बमबारी तेज हो गई है।
इजरायली सेना यहां मौजूद हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। वेस्ट बैंक में इजरायल के हमले इसलिए तेज हो गए क्योंकि युद्ध के बाद इजरायल वेस्ट बैंक पर कब्जा करना चाहता है। नेतन्याहू सेना वेस्ट बैंक का इजरायल में विलय करने के प्लान पर काम कर रही है, इसलिए वेस्ट बैंक से विरोधी ताकत हमास को खत्म किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नॉर्थ कोरिया ने शॉर्ट रेंज मिसाइलों का टेस्ट किया है, वो भी दर्जनों की तादाद में। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से फायर की गई मिसाइलें सीधे जापान सागर में गिरी और उसके बाद पूरे कोरियाई प्रायद्वीप में हड़कंप मच गया। दक्षिण कोरिया और जापान में अलर्ट सायरन बजने लगे। अब सवाल यह है कि किम ने अचानक ही मिसाइल ट्रेलर क्यों दिखाया, आप देखिए इस रिपोर्ट में। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम ने एक बार फिर से अपने विध्वंसक हथियार की नुमाइश की। बारूदी कोहराम के जरिए जमीन से आसमान यहां तक कि समंदर को दहलाया है। दरअसल साउथ कोरियाई मिलिट्री ने दावा किया कि आज सुबह नॉर्थ कोरिया ने दर्जनों शॉर्ट रेंज मिसाइलों को फायर किया। राजधानी प्योंगयांग से मिसाइलों को जापान सीमा दागा गया। किम की मिसाइलें कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच गिरी। साउथ कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने बयान में दावा किया कि साउथ कोरियाई डिफेंस ने प्योंगयांग से फायर की गई मिसाइलों को ट्रेस किया। दावे के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के शॉर्ट रेंज मिसाइलों ने 360 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर उनका मलबा समंदर में गिरा। यकीन मानिए, किम के इस ताबड़तोड़ मिसाइल ट्रेलर से पूरे कोरियाई प्रायद्वीप में खलबली मच गई। जापान तक में अलर्ट सायरन बजने लगा क्योंकि हर किसी को इस बात की आशंका थी कि कहीं किम ने अपने घातक ब्रह्मास्त्रों से हमला तो नहीं कर दिया। हालांकि दक्षिण कोरिया की तरफ से मिसाइल के टेस्ट और उससे जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है, मगर सवाल ये खड़ा होता है कि बैक टू बैक नॉर्थ कोरिया अपने घातक ब्रह्मास्त्रों का टेस्ट क्यों कर रहा है? क्यों किम अपने बारूदी जखीरों से विनाशकों की नुमाइश कर रहा है? तो इसके पीछे की वजह है कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका की दखलंदाजी, जिसके चलते किम भड़का हुआ है। दावा तो यहां तक किया जा रहा कि लगातार मिसाइलों और घातक हथियारों का टेस्ट कर किम अपने हथियारों को धार दे रहा है ताकि किसी भी वक्त जंग में इनका इस्तेमाल हो सके। इतना ही नहीं, आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि जल्द ही किम अपने एटमी जखीरों की भी तादाद बढ़ा सकता है। दुनिया में कुछ चुनिंदा ही मुल्क हैं जिनके जंगी खाने में हाइपरसोनिक हथियार की खेप है और इस फहरिस्त में शामिल है रूस और चीन, जिनके पास एयर टू एयर या फिर एयर टू सरफेस मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। लेकिन अब इन देशों की फहरिस्त में अमेरिका भी शामिल हो गया है, जिसने हाल ही में सरफेस टू एयर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, वो भी मैक 7.2 की विध्वंसक रफ्तार के साथ। दुनिया के तमाम मुल्कों को अपने हथियारों की ताकत और कुव्वत दिखाने के लिए अमेरिका ने अब तक की सबसे घातक और सबसे विनाशकारी मिसाइल का टेस्ट किया, वो भी ब्लू वॉर जोन में। अमेरिकी वायुसेना ने नॉर्वे में एक विनाशक प्रोजेक्ट को एक्टिव किया है, जिसके तहत हाइपरसोनिक मिसाइल बोल्ट 1B का टेस्ट किया। हाइपरसोनिक मिसाइल ने 254 किलोमीटर की उड़ान भरी। आसमान में मिसाइल की रफ्तार मैक 7.2 थी, जिसका मतलब करीब 8,900 किलोमीटर प्रति घंटा। दो सितंबर को अमेरिकी वायुसेना ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट को अंजाम दिया और इस मिसाइल टेस्ट से जुड़ा वीडियो भी जारी किया।
आपको बता दें कि आवाज की गति से 5 गुना तेज रफ्तार हाइपरसोनिक मानी जाती है और अमेरिका ने जिस बोल्ट 1B मिसाइल का टेस्ट किया है उसने मैक 7.2 की रफ्तार पकड़ी। बस इसी मिसाइल टेस्ट के साथ ही सुपर पावर अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गया। हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के साथ ही सुपर पावर अमेरिका ने मिसाइल वर्ल्ड में अपनी धाक फिर से जमा ली। इस अग्निबाण के परीक्षण के साथ ही दुनिया को दिखा दिया कि हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र की रेस में अब अमेरिका का सामना कोई नहीं कर सकता। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ वक्त पहले अमेरिका ने आसमान में प्रहार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, हालांकि वो सफल नहीं रहा, मगर इसके बाद पेंटागन ने अंडर वाटर हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी शुरू की। मार्च 2024 में अंडर वाटर हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। एटमी सबमरीन के जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई। अमेरिकी राज्य इंडियाना के नेवल बेस पर मिसाइल का टेस्ट हुआ। दावा है कि अंडर वाटर मिसाइल ने मैक 5 की रफ्तार से उड़ान भरी और अब अमेरिका जमीन से दागे जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर चुका है। मतलब ये कि आने वाले चंद दिनों में अमेरिका का यह हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र दुश्मन खेमे में खलबली मचा देगा। इसके एक प्रहार से बैटल ग्राउंड थर्रा जाएगा और सबसे अहम ये कि मैक 7.2 की रफ्तार से उड़ने वाली इस मिसाइल को कोई रडार सिस्टम या फिर डिफेंस सिस्टम पकड़ भी नहीं पाएगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच बाइडेन की इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने सनसनी मचा दी है। क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है क्योंकि पहले तो अमेरिका ने नाटो के देश नॉर्वे में हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया और दूसरा ये कि अब तक रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों का दम दिखा रहा था, मगर अब अमेरिका ने भी अपनी जंगी खाने में हाइपरसोनिक मिसाइल की खेप तैयार कर ली। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी वायुसेना एक अल्ट्रासोनिक विमान को तैयार करने में जुटी। विमान का प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है, लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका को अल्ट्रासोनिक फाइटर जेट तैयार करने में कामयाबी मिल सकती है जिसकी लागत करीब $800 मिलियन तक हो सकती है। मतलब ये कि दुनिया के ताकतवर देशों में हाइपरसोनिक हथियारों को लेकर कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। हर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल और लड़ाकू विमान तैयार करने में जुटा है, जो इस बात के संकेत हैं कि जल्द ही धरती पर हाइपरसोनिक हथियारों से महाजंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।